हाँ तो मैं पहुंच गया हूँ बार्बर शॉप में। ये सदर में है, ये बहुत ही बेहतरीन शॉप है, बहुत अच्छे तरीके से हेयरों का सेटिंग करके हेयर को बिल्कुल, क्या मैं बताऊँ इसके बारे में, जितना बताऊँ उतना ही कम है। क्योंकि ये इस तरह से काटते हैं कि पता भी नहीं चलने देता है। देखिए किस तरह से बाल में क्लिप लगाकर हेयर को पहले सेट करते हैं। मेरे बालों में कम से कम 3-4 क्लिपें लगाती हैं, उसके बाद अच्छी तरह से बाल को सेट किया, उसमें एडजस्ट किया, इस तरह से बाल का कटिंग करवाना पहले मेरे से पूछ और मैं चेयर पर बैठा, पूरा अच्छी तरीके से बात किया, बिल्कुल नम्रपूर्वक बातचीत करता रहा और काटते रहा, और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी दिया, लेकिन मैं म्यूजिक को म्यूट कर दिया इस कारण से क्या कि कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है। मैं सोचा कि बिल्कुल ओरिजिनल साउंड के साथ, ओरिजिनल पिक्चर के साथ, बिना एडिट के साथ आपको ये ब्लॉग दिखाऊं। देखिए किस तरह से मर लिया और कर लिया, बिल्कुल एकदम बारीकी से। मुझे पता ही नहीं लगता था कि मेरा बाल इतना मतलब है स्मूथली काटे। मैं इस बार्बर शॉप में दो बार गया हूँ, मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल सेट के सेट कर। मैं उनको बताया कि इतना पॉइंट पे, इतना पॉइंट पे करना, उतना ही काम, ना उससे ज़्यादा ना कम, बिल्कुल एक्यूरेट पूछ कर मन के मुताबिक। मेरे मन में नहीं हुआ तो तभी काटता है, हाथ का इतना बड़ा इसमें योगदान है, बिल्कुल हल्के हाथ। और जगह जाते हैं जाने पर मुझे इतना बार बार लगा है ट्रिमर जो चलाते हैं, कभी बाल इतना हाथ में कलाकारी बोला जाए या बॉडी पिक्चर बोला जाए, जितना बोलूँ मैं उतना कम, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बार्बर शॉप है। बहुत हाथ से देखते हो, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बार्बर शॉप है सिर्फ मेल के लिए है, आप गलत ना समझे कि ये फीमेल का भी पैसा नहीं है। तो आपको तो बिल्कुल अच्छी तरह से देखने के लिए मिल भी रहा होगा वीडियो के द्वारा कि कितना स्मूथ से, बिल्कुल स्मूथ से ट्रिमर कंघी कंघी के सहारे। हम तो देसी आदमी है, लेकिन इस माहौल में आने के बाद इस तरह से मजाक करके बात करते हैं कि मत पूछिए। पहली बार गया था तो मैं वहीं से बाल कट करवाया था, सोचा कि इन भाइयों से कटाता हूँ, इन भाइयों का किस तरह से कटिंग किया जाता है, उनका जो लोग कहते हैं कि एक तरह से बोला जाए तो जो लड्डू खाया वो भी पछताया, जो ना खाया वो भी पछताया। इस कारण से मैं सोचा कि इन भाइयों से मैं कट कटाऊँ, भाइयों से मैं कटवा ही नहीं आता, उनका बहुत अच्छा लगा नाजवाब, कई चीज़ें चलता था तो पता ही नहीं चलता मेरा बाल कट रहा है, उनका भी
उन भाइयों का भी बिल्कुल मस्त तरीके से बिंदास के साथ पैर बैठ के देखिए किस तरह से एकदम बिल्कुल टीमर से ही अपन सेटिंग कर देखती देखते आप सबको तो बिल्कुल सही ढंग से दिख रहा है किस तरीके से चल रहा है मेरे क्योंकि उस लाइन में आप समझ जाइए किस लाइन में उस लाइन में तो हेयर कट का ही डिसिप्लिन का ही इस कारण से उस अनुसार अपने देखिए सिविल के हैं जो अपने बालों को किस तरह से सहला रहे हैं जुल्फों को सलाह रहे हैं उनको बता रहे हैं कि वो इस स्टाइल में मेरा बाल उनको दिखाया गया और उसने कितने मुस्कुराहट से साथ अपने कोलगेट का प्रचार करते हुए हंसे देखिए किस तरह से बाल थोड़ा सा कटने के बाद बिल्कुल ब्रश से क्लीन करके फिर से काटते हैं उसमें से ये पता चलता है कि बाल कहीं पे चिपका हुआ है गया उसे पता ना चलेगा कोई बाल छूट तो नहीं गया इस तरह से वो बिल्कुल मेकअप करके कटिंग किया बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से सैलून तो ये बहुत लाजवाब है ये सैलून ये जो मेरठ सदर है शनि मंदिर के पास घंटाघर वाली रोड के जस्ट आगे आएंगे आगे की तरफ आएंगे तो शनि मंदिर आगे मिलेंगे बालाजी का मंदिर मिलेंगे इसी के जस्ट अपोजिट साइड में ये सैलून है बिल्कुल शानदार यदि आप मेरठ के रहने वाले हैं या मेरठ में कभी आए तो इस सैलून में पक्का जरूर से ज़रूर हेयर कट लेके जाएँ इसका सुविधा लेके जाएँ तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का हेयर कट नंबर वन दिल्ली तो अभी तक में नंबर वन सैलून देखिए भाई साहब कितना स्टाइलिश है दाम कैसे लगते हैं देखिए बंदों का स्टाइल में स्टाइल से बात बाल काटने के बावजूद भी अपने भी स्टाइल में रहते हैं सुहाग जान सकते हैं कि किस तरह के आदमी है बिल्कुल अच्छे आदमी अच्छे व्यवहार है अच्छे विचार है पब्लिक तो आदमी के विचार से हाव भाव से बातचीत करने से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं प्यार से कहने का मतलब है कि प्यार से कुछ भी आदमी से करा सकते प्यार से यदि कुछ से करेंगे तो घर वाले भी जानते प्यार मधुर व्यवहार मधुर प्यार मीठी बोल बोलते हैं मुँह में मीठा बन होना चाहिए कहीं भी आप दिल में जगह बना सकते हैं मैं दो बार गया हूँ शेविंग के अंदर लेकिन इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल शानदार लगा तारीफ में बार बार बोल जितना इस शेविंग का तारीफ करें बिल्कुल उतना ही अच्छा बिल्कुल मैं थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा ब्लॉग ब्लॉग बनाऊँ तो थोड़ा मेरी
सब बन के जाओ, पूरा पब्लिक मेरे तरफ एक्शन होंगे। इतनी अच्छी तो नहीं है, कल इतना अच्छा होता है तो भी अच्छा है। आप प्यार दें इस तरीके से, मैं आपको इस तरीके से क्लिप लेकर आई, जितना मेरे में काबिलियत होगा मैं सबको दिखाऊंगा, एकदम बारी बारी से दिखाऊंगा। देखिए मैं फेशियल भी कराने लगा हूँ, चेहरे में बहुत इस कारण से सोचा था ये भी कराऊंगा, सा चेहरे में चमक आ गया थोड़ा सब यूट्यूबर बनने के लिए थोड़ा भी जरूरत होता है, दिन का जरूरत होता है, सब चीज़ की जरूरत होता है, बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो इस पर देखिए फिर से कौन सा क्रीम लगा दिए, पहली बार तो एक दूसरा क्रीम लगाए थे मुझे पता नहीं, जैसे दूसरा क्रीम लगाए और उससे भी मसाज करेंगे। लेकिन कितने कितने तरीके से ये मसाज करेंगे, हमको तो लगता है आज बिल्कुल हैंडसम बना देंगे, इस तरह से मुझे मसाज करते जाए। क्योंकि मैं तो उतना एक वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद से शूट भी कर रहा था, खुद से मसाज भी कर रहा था, परिवार आ जा, तो इस कारण से कितने तरह के क्रीम से मसाज किया मुझे पता नहीं चलता। मेरे हिसाब से बने लेकिन मोबाइल चल रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग, मैंने सोचा कि थोड़ा शूट कर लूँ और डाल दूँ, सभी को पता चले, मेरे भाइयों को बहनों को वातावरण बने तो यूट्यूबर बनने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, एकदम लगन करते हुए भी टाइम निकाल का खाना को कोशिश कर रहे हैं। गाँव में देखने अपने गाँव से ठीक खेल में आ गए, मैं भी तो देसी ही बच्चा हूँ। देखिए भाई ने तो स्मार्ट बना दिया ये मेरे भाई साहब से, देखिए मैं एडिट करके डाल दूँगा, मैं पूरा अंदर का माहौल से अवगत कराता हूँ, बिल्कुल शूट कर करके। कि अभी कुछ देरों में दुकान का नाम दिखाएंगे स्क्रीन पे, भाई साहब है देखिए कितने आय कर रहे हैं, कितने खुश हैं आपका उसका लेता हूँ सामने, भाई साहब की मुस्कुराहट का तो वही भाई का दुकान है, यही सही जगह का नाम बोलिए आप आ जाएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिए इंग्लिश में कैसा है एकदम, बहुत अच्छा है, एस्टीम ट्रिमर है, कूलर है, बिल्कुल सुख सुविधा है, भैया हाय कर दीजिए पहचान लेंगे आपसे, आएंगे फिर मिलते हैं भैया के साथ, ओके बाय।